सो हेलो गाइस, आ गए एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। सो आज हम यहाँ पर दो लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर बात करेंगे फौजी मोबाइल में आ रहे प्री रजिस्ट्रेशन एरर के बारे में, उसके अलावा यहाँ पर पबजी मोबाइल की लॉन्च डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ पर फौजी के यहाँ पर एरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, कल फौजी यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके एरर आ रहा है, योर डिवाइस इजेंट कम्फर्टेबल विद दिस वर्जन, कुछ इस टाइप का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का मैसेज जिनको भी आ रहा है, तो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो ये वाला मैसेज उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनका यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 10 से कम है। मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन 10 यहाँ पर चाहिए होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको हेडेक नहीं लेके कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पबजी मोबाइल के भी दो वर्जन आते हैं, एक एंड्रॉयड 4.4 प्लस के लिए होता है और एक एंड्रॉयड 10 के लिए होता है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ ग्लिच हुआ है और ये एंड्रॉयड 10 वाला जो वर्जन है वो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर एंड्रॉयड 10 से नीचे वाले यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वर्जन वाले प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। आप ये ट्वीट देख सकते हैं जहाँ पर किसी ने बताया कि ये एरर आ रहा है, लेकिन विशाल गोंडल जो कि एनकोर गेम्स के यहाँ पर हैं, उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया है कि जल्दी वो इसको चेक कर लेंगे। आप ये ऑफिशियल ट्वीट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी एरर फिक्स हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे भी जब ये गेम आएगा तो आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन की कोई खास ज़रूरत भी यहाँ पर आपको नहीं है। पबजी मोबाइल की यहाँ पर बात कर ले, तो यहाँ पर पबजी मोबाइल का तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर, कभी आने वाला है कुछ अता पता नहीं है। लेकिन कल है 2 दिसंबर, जो कि डेट बहुत पहले से यहाँ पर बताई जा रही है कि पबजी मोबाइल इंडिया इस दिन लॉन्च हो सकता है। 2 दिसंबर यहाँ पर जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ है उसके कुछ दिन बाद से यहाँ पर ये डेट आ गई थी 2 दिसंबर की, बिकॉज ऑफ 2 दिसंबर के साथ क्रॉफ्टन के साथ कोलैब होना था यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर 2 दिसंबर की डेट बताई जा रही थी। बट यहाँ पर अभी देखते हैं क्या होता है 2 दिसंबर को। अगर 2 दिसंबर को लॉन्च होता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात होगी। फिलहाल यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इनसाइडर स्पोर्ट्स की तरफ से आर्टिकल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी परमिशन नहीं मिली है पबजी मोबाइल को MEITY के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जल्दी इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होने वाली है, ऐसा होने वाला है जल्दी। यहाँ पर मीटिंग में यही मुद्दा होने वाला है कि यहाँ पर पबजी मोबाइल को परमिशन लेनी होगी MEITY से, कि यहाँ पर ताकि वह प्ले स्टोर में अपने ऐप इंडिया में पब्लिश कर सकें। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई परमिशन नहीं मिली है और ये परमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है बिकॉज ऑफ बैंड ऐप्स जो कि होते हैं, उनको अनबैन कराना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लंबा प्रोसेस वाला काम होता है। तो यहाँ पर परमिशन अगर एक बार में मिल जाए तो फिर ठीक है, वरना यहाँ पर काफ़ी लंबा समय PUBG मोबाइल इंडिया को आने में लग सकता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम में मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।